अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल किचन विद अतिया। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज मुनफरिद अंदाज में, जिसे आप बनाकर जीत लेंगे अपने घर वालों का दिल और अपने मेहमानों का दिल। बस आपने करना ये है कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, अपना फीडबैक मुझे देना है और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। काला नमक मैं इसके अंदर लूंगी 1.5 टेबल स्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल 1.5 लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका ऐड करूँगी, तो वो भी मैं आपको। इसके अलावा इसमें लेमन जूस आएगा तकरीबन 1/4 कप। तो अब मैंने क्या किया, फालसे जो है वो एक बोल में डाले और उसमें तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया। 1 kg पालसा जो मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया और इसे बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया। अच्छे तरीके से बॉईल होने पर आप ये देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो पानी में आ चुका है। तो ये जो बाकी के जो पालसे हैं इसको आप अच्छे से किसी भी स्पैचुला की मदद से या किसी भी चीज की मदद से आप इस तरह से प्रेस करें ताकि जो भूजा है वो गुठलियों से लग जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ रहा है पानी में। ऐसा करने के बाद अब मैंने जो उसके जो पालतू के बीज थे वो मैंने निकाल लिए और एक स्ट्रेनर में डाल के मैं इसको अच्छे से उसको स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि जो बीज है वो अलहदा हो जाए और जो उसका जो फाइन बीजा है वो अलहदा हो जाए। इस तरह से प्रेस करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें और फिर से दोबारा से प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका टोटली कलर सारा चेंज हो चुका है। जो इस तरह से करके मैंने सारा जो फालसे जो थे सारे चीज़ें सेव कर दी। अब हम वॉक में 1 लीटर पानी लेंगे। ये मेरा तो 50 ml का कप है, तो ये मैं 4 कप लेंगे। 1 लीटर पानी लेंगे, इसमें 1 किलो चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने से पहले पानी को थोड़ा सा गर्म होने दिया और फिर मैंने इसमें चीनी ऐड करने लगी। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। ताकि जो चीनी है वो पानी में डिजॉल्व हो जाए और आपको तकरीबन इस पानी को चीनी वाले पानी को आपने तकरीबन 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकाने के बाद इस तरह से आपके पास जो है वो सीधे सीधे तैयार हो जाएगा। इसमें आप जो आपने पालतू जो स्ट्रेन किया था वो आप इसमें डाल देंगे। जो पालतू का पानी जो कढ़ाई में मौजूद था वो भी सारा आपने इसमें ऐड करना है। जब इसमें एक जोश आ जाएगा तब मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद मैं अच्छे से चला रही हूँ ताकि जो लेमन जूस है वो सारे मिक्स हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाने के बाद
बहुत आसान सी रेसिपी है, आप आराम से बना के और इस तरह से पांचा आप अपने घर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पांचा के सीजन बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं। आप आराम से बना के स्टोर कर सकते हैं काफी टाइम के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। ये मेरी चाय की बोतल रही है, इसमें मैंने पानी रखा हुआ था फ्रिज में, तो ये मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये स्पाइसी पानी ही का टेस्ट अच्छा लगता है, इसमें पानी ऐड करने के बाद मैं स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लीजिए हमारा मजेदार ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है।